अब्दुल रहमान ये भी बताएगा कि अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को पेश ना करने का मामला है। इस्लामाबाद और पंजाब के आईजीज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है, ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई है? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी को अदालती अहकाम के बावजूद लाहौर हाईकोर्ट पेश न करने पर इस्लामाबाद और पंजाब के आईजीज के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी के कजन की दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि फवाद चौधरी के कजन की जानब से अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत ने तीन मरतबा जो है आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को फवाद चौधरी को लाहौर हाईकोर्ट के रूबरू पेश करने के काम सादर किए, मगर इसके बावजूद फवाद चौधरी को पुलिस की जानब से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया, जो कि वाजे तौर पर तौहीन अदालत है और आईन के आर्टिकल 204 के तहत जो है आईजी के खिलाफ जो है अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को जो दीगर पुलिस अफसरान थे उनका नाम दरखास्त से हजफ करने की हदायत करते हुए आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जी ठीक है, अब्दुल रहमान आपने इस बात किया, आपका बेहद शुक्रिया।